दिलचस्प आ रहा है रागी जी, क्योंकि बड़ी खबर पंजाब से आ रही है। अब आप सोचिए 80 प्लस की बात करते करते 90 सीट्स पर बढ़त बना ली आम आदमी पार्टी ने। बड़ी खबर इस वक्त जी न्यूज पर, पंजाब की असेंबली को लेकर 90 सीट्स पर इस वक्त आम आदमी पार्टी लीड कर रही है। आप याद कीजिए, अभी थोड़ी देर पहले डॉक्टर जगरूप बात कर रहे थे दिल्ली में क्लीन स्वीप की, और वो कह रहे थे ऐसा पंजाब में होते हुए आप देखेंगी, और अब आप देख रहे हैं कि कैसे 90 सीट्स पर अपने आप में बहुत बड़ी परफॉर्मेंस इसे माना जाएगा। भूले नहीं, दिल्ली में अक्सर सेंटर के साथ टकराव रहा, लेकिन एक बड़ा स्टेट आम आदमी पार्टी लेने जा रही है, जीतने जा रही है, और इसीलिए सेलिब्रेशन का मूड, इसीलिए जश्न का माहौल, इसीलिए किस तरह से ये जोश और जज्बा और उत्साह आपको इन तस्वीरों में देखने को मिल रहा है, वो आप खुद इसका अंदाजा लगा सकते हैं। ढोल बज रहे हैं, डांस कर रहे हैं लोग। हमने सुबह दिखाया था कैसे भगवंत सिंह मान के घर के बाहर ही जलेबी बनाई जा रही थी और डिस्ट्रीब्यूट की जा रही थी। तो सोचिए जरा, तब तो काउंटिंग स्टार्ट भी नहीं हुई थी, तो यानी इस पार्टी को कॉन्फिडेंस था खुद पर, इस पार्टी को भरोसा था कि पंजाब में बदलाव की ही हवा है और पार्टी जो है वो सबको सब पर झाड़ू फेर देगी। और कम से कम जो आंकड़े आप अपने स्क्रीन पर इन प्रोजेक्शंस के लिहाज से देख रहे हैं, बार बार दोहराते हुए, फाइनल टैली नहीं है ये ट्रेंड्स है। कांग्रेस पार्टी 13 सीटों पर, देखिए जरा, थोड़ी देर पहले 38 पर थी, करीब एक घंटे पहले लीड्स के लिहाज से बात की जाए तो 38 सीट पर कांग्रेस पार्टी लीड कर रही थी, अब 13 पर आकर सिमटती दिख रही है। शिरोमणि अकाली दल 20 प्लस पर लीड कर रहा था, अब 9 पर आकर सिमटता दिख रहा है। लीड के हिसाब से बार बार दोहराते हुए, लीड्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, रुझानों की बात कर रहे हैं। और आम आदमी पार्टी जो एक समय गैप था 38 और 48 का, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच देखिए किस तरह से, जिसे कहते हैं ना वन साइडेड कॉन्टेस्ट बना देना, चैंपियन वाला अंदाज, वो अंदाज अब आपको भगवंत मान का दिखाई दे रहा है, जिन्होंने 117 असेंबली सीट में से इस वक्त लीड कर रही है आम आदमी पार्टी 90 सीट पर, 2/3 मेजोरिटी, 3/4 मेजोरिटी, इस तरह की बातें और डिस्कशंस लगातार किए जा रहे हैं। बीजेपी अलायंस 5 सीटों पर लीड करते हुए और अदर्स के खाते में 0 आप देख पा रहे हैं। ये अपने आप में पंजाब में जिस तरह के दावे किए जा रहे थे थोड़ी देर पहले, ये ट्रेंड्स हैं, थोड़ी देर पहले लगा शायद ये हंग असेंबली की तरफ जा रहा है, लेकिन फिर आपने देखा आम आदमी पार्टी ने भी एक्सेलरेट करना शुरू किया, और उसके बाद अब आप देख रहे हैं 90 सीट्स पर, 117 सीट में से 90 सीट्स पर लीड करते हुए इस वक्त आपको दिखाई दे रही है। और ये देखिए, उत्तर प्रदेश से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी 242 सीटों पर आगे है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी 242 सीटों पर आगे है। हम आपको 353 सीटों के लिए प्रोजेक्शंस दिखा रहे हैं, लीड्स दिखा रहे हैं बार बार।